गुड इवनिंग पिलाने आज बर्तमान नवम श्रेणी परिमिति पढ़ा कौन पढ़ा परिमिति तुम पूर्व क्लास में पढ़ी ना पढ़ी ना परिमिति वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल बाहर कर आयत क्षेत्र क्षेत्रफल बाहर कर आयत क्षेत्र क्षेत्र सूत्र जान आयत क्षेत्र क्षेत्रफल सूत्र कौन ए बी सी डी आयत क्षेत्र आयत क्षेत्र क्षेत्रफल आयत क्षेत्र परिसमान सूत्र आयत क्षेत्र परिसीमा समान दुई गुण दैर्घ्य युक्त प्रस्थ सेमती वर्ग क्षेत्र सेमती कौन वर्ग क्षेत्र वर्ग क्षेत्र कौन जान जा वर्ग क्षेत्र चार बाहुर दैर्घ्य समान एवं कौन वर्ग क्षेत्र प्रत्येक कोण 90 डिग्री एबीसीडी वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल आम जान कौन क्षेत्रफल सूत्र कौन वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल समान बाहुर स्क्वायर एवं परिसीमा सूत्र परिसीमा समान चार गुण बाहुर बाहुर लेख लगे पे तो बर्तमान देखा त्रिभुज त्रिभुज विषय जान त्रिभुज प्रकार त्रिभुज समबाहु त्रिभुज अच्छी विषमबाहु त्रिभुज अच्छी विषम समबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज त्रिभुज क्षेत्रफल सूत्र जान त्रिभुज क्षेत्रफल एबीसी त्रिभुज उच्चता त्रिभुज भूमि उच्चता दत्त थे क्षेत्रफल सूत्र कौन हाफ इंटू भूमि उच्चता क्षेत्रफल सूत्र भूमि उच्चता दत्त थी भूमि उच्चता दत्त थे क्षेत्रफल सूत्र हाफ इंटू भूमि उच्चता विषम बाहु त्रिभुज बाहुर दैर्घ्य दत्त थे क्षेत्रफल सूत्र कौन ना प्रथम आम को अर्ध परिसीमा बाहर करने पड़े था कौन बाहर करने पड़े था अर्ध परिसीमा अर्ध परिसीमा अर्ध परिसीमा कर आम कौन है स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी डिवाइड बाय टू तापर लेकिन क्षेत्रफल बाहर कराए क्षेत्रफल सूत्र कौन क्षेत्रफल समान एस इंटू रूट ओवर एस माइनस एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी तो बर्तमान जान लगे तो बर्तमान समबाहु त्रिभुज त्रिभुज जान समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल सूत्र बाहर कौन समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल सूत्र अष्टम श्रेणी में पढ़ी समबाहु त्रिभुज द्वारा प्रत्येक बाहु दैर्घ्य समान समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल सूत्र कौन ना रूट थ्री बाय फोर इंटू बाहुर दैर्घ्य स्क्वायर वर्ग एकक समिति त्रिभुज उच्चता दत्त थी समबाहु त्रिभुज उच्चता दत्त थी समबाहु त्रिभुज उच्चता दत्त थी क्षेत्रफल सूत्र कौन समबाहु त्रिभुज उच्चता दत्त थी क्षेत्रफल सूत्र कौन वन बाय रूट थ्री इंटू उच्चतार स्क्वायर वर्ग एक जदि तुमको मागि थिबो उच्चता बाहर करिया पई कहिथिबो समबाहु त्रिभुज उच्चता बाहर करिया पई कहिथिबो तो उच्चता समान सूत्र कौन रूट थ्री बाय ना कौन उच्चता समान सूत्र जान छ कि रे रूट थ्री बाय टू इंटू बाहुर दैर्घ्य रूट थ्री बाय टू इंटू बाहुर तो वर्तमान क्वेश्चन उपरको जीवा एवं अनुसरण करिबा देखिबा वर्तमान जानल सब सूत्र जानल तो बर्तमान क्वेश्चन दिया है जी माने कोन कहै छी क्वेश्चन दिया है जी क्वेश्चन को पढिबो केमिति ना स्टेप बाय स्टेप पढि पढि जीवो तबे करिबा पई तुमको सुविधा
4 मीटर गैप रही 4 मीटर
कितने मीटर 4 मीटर ये 4 मीटर रे घास सब बिछाएगा भाई मीटर पीछा कितने टंका मीटर पीछा कितने टंका बचा हो ना मीटर पीछा वर्ग मीटर पीछा वर्ग मीटर पीछा 3 टंका 50 पैसा तो प्रथम हमें आयतक्षेत्र रो क्षेत्रफल ए बी सी रे आयतक्षेत्र रो क्षेत्रफल बाहर करबा प्रथमे कोन करबा ए बी सी रे आयतक्षेत्र रो क्षेत्रफल बाहर करबा तापरे पी क्यू आर एस आयतक्षेत्र रो क्षेत्रफल बाहर करबा तापरे कोन करबा ना ए बी सी रे आयतक्षेत्र रो क्षेत्रफल रो पी क्यू आर एस रो क्षेत्रफल को माइनस कर देले रास्ता रो क्षेत्रफल पाई जिबा एवं से रास्ता रो क्षेत्रफल बाहर कर सला परे हमें कोन करबा इनटू 3 टंका 50 पैसा कर देले भाई जो तो वर्तमान प्रथम हमको कोन करा दिबो ए बी सी डी आयत क्षेत्र रो क्षेत्रफल ए बी सी डी आयत क्षेत्र रो क्षेत्रफल ए बी सी डी आयत क्षेत्र रो क्षेत्रफल समान हमें बाहर कर परबा ना नहीं एटा 60 इनटू 48 वर्ग मीटर ए गुणन करले जहां बाहरबो बाहर करिबो एवं ता परे बाहर करिबो कहार पी क्यू आर एस आयत क्षेत्र रो क्षेत्रफल आयत क्षेत्र रो क्षेत्रफल आयत क्षेत्र रो केते दै छी पी क्यू आर एस आयत क्षेत्र रो पी क्यू आर एस आयत क्षेत्र रो क्षेत्रफल बाहु केति पाइबो ना बाहु बाहर करबा पई हले एटी चार एटी चार 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 आठ माइनस है जी तबे पी क्यू इक्वल पी क्यू रहता है कितना मीटर होगा साठ रो आठ वाले 60 माइनस ऑफ ए इक्वल टू 52 मीटर एवं आरोड़ा हो चुके थे पी क्यू ने ये ना पी एस पी एस इक्वल टू 52 मीटर एवं पी क्यू इक्वल टू अगर पाइवा कहते ये ना 48 माइनस ऑफ आठ इक्वल टू कहते हैं हम 40 मीटर तबे पी क्यू आर आयत क्षेत्र रो क्षेत्रफल इक्वल टू तबे 52 इनटू 48 वर्ग मीटर इक्वल टू गुणन करले गुणफल जहा आवो तापर कोन करबो त ए रास्ता रो क्षेत्रफल रास्ता रो क्षेत्रफल केमति बाहर करबो रास्ता रो क्षेत्रफल समान कोन करबो ए बी सी डी आयत क्षेत्र रो क्षेत्रफल क्षेत्रफल माइनस पी क्यू आर एस आयत क्षेत्र क्षेत्रफल बर्तमान रास्तार क्षेत्रफल पाइल तबे केते टंका खर्च हबो ए जो रास्ता रो पाइछ से रास्ता रो क्षेत्रफल पाइला परे प्रति वर्ग मीटर को केते टंका हिसाब रे जहां पाइबो रास्ता रो क्षेत्रफल तबरे केते टंका खर्च हो समान को हो खर्च टंका खर्च हो समान रास्ता रो क्षेत्रफल रास्ता रो क्षेत्रफल क्षेत्रफल इनटू रास्ता रो क्षेत्रफल इनटू केते टंका प्रति वर्ग मीटर पिछा 3 टंका 50 पैसा गुणन कर देले सेति कि जति कि बाहरिबो सेति कि टंका खर्च हबो रास्ता उपरे घास बिछेबा पाए तापर कहि छै आबडे क्वेश्चन दिआइ छै बुझि पालो के रे तापर आबडे क्वेश्चन दिआइ छै क्वेश्चन कोन कहि छै ना गोटिए समकोणी त्रिभुज रो समकोण संलग्न बाहु दे क्वेश्चन कोन अछि ना गोटिए समकोणी त्रिभुज प्रथमे आमी भाबि लेबा दरकार जे समकोणी त्रिभुज समकोणी त्रिभुज का अंकन करबा अंकन करबा तापर देखि जा क्वेश्चन कहि छै से हिसाब रे जीवा प्रथम कहि छै गोटिए समकोणी त्रिभुज रो समकोण संलग्न बाहु तबे समकोणी त्रिभुज ए बी सी समकोणी त्रिभुज रो समकोण संलग्न बाहु दर दीर्घ जत दिआइ छै कहि छै गोटिए 24 सेंटीमीटर अछि गोटिए 32 सेंटीमीटर अछि तबे हमें जानि छै पिथागोरस सूत्र रो कोन पी सी तो कोन जानि छै एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तबे ए इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रो रूट ओवर तबे ए समकोणी त्रिभुज रे एसी वाला करलो एसी बाहर करिया पई हमें हमको प्रथम कोन करिया पई हो ना समकोणी त्रिभुज रो कर्ण बाहर करिया पई हो तबे समकोणी त्रिभुज रो समकोणी त्रिभुज रो कर्ण समान कोन है जे तबे 24 रो होल स्क्वायर प्लस 32 रो होल स्क्वायर रो
root of 24 ର ବର୍ଗ କେତେ 500 କେତେ ହଉଛି 24 ର ବର୍ଗ 576 କା କେତେ ହଉଛି ନା କଣ 576 plus 32 ର ବର୍ଗ 1024 ର root of equal to କେତେ ହେଲା 1600 ର root of equal to 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर तबे समकोणी त्रिभुजर कर्णर दैर्घ्य 40 सेंटीमीटर प्रथम समकोणी त्रिभुजर कर्णर दैर्घ्य पाई गले समकोणी त्रिभुजर क्षेत्रफल सूत्र आमे कोन जानि छे गोटे जानि छे हाफ इनटू समकोण संलग्न बाहु द्वारा तुमको मागि छे समकोणी त्रिभुजर कर्णर अंकित लंबर दैर्घ्य कर्ण रु अंकित लंबर दैर्घ्य एई एटा मागि छे तबे तो हम क्षेत्रफल दरकार समकोणी त्रिभुजर क्षेत्रफल सूत्र कोन जानि छे हमें समकोणी त्रिभुजर क्षेत्रफल समान हाफ इनटू समकोण संलग्न बाहु द्वयर गुणनफल तबे हाफ इनटू 24 इनटू आउडा रहला 32 24 इनटू 32 तबे एडी काटी देले केता होची 16 32 तबे 24 इनटू 16 बोले केता होची केता वर्ग सेंटीमीटर एति की वर्ग सेंटीमीटर तबे एडी कोन करबा 24 इनटू 16 624 रो 4 आ गेले 2 6 2 12 2 14 एक चार एक चार एक दो दो चार 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 आठ दो एक तीन तीन ही सौ चौरासी वर्ग मीटर तबे वर्ग सेंटीमीटर तबे हमारा समकोणी जो त्रिभुज है ना क्षेत्रफल कितने पाई ले 384 वर्ग मीटर किंतु हम को बाकी चीज उच्चतर दर्ग और विपरीत कोण का बिंदु अंकित लंबर दर्ग कर्ण प्रति अंकित लंबर दर्ग तबे मन कर कर्ण प्रति अंकित लंबर दैर्घ्य x मन कर त्रिभुजर कर्ण प्रति अंकित लंबर दैर्घ्य x एके x नेले तबे x नेले आमे जानि छ त्रिभुजर तबे x नेले हम ac बाहु को भूमि नै पाइबा एवं एटा हमर नाम दे देले bd bd बाहु मध्ये कोन हेतिव उच्चता हे जीव जदि उच्चता हेले आमे सूत्र कोन जानि छ पुनश्च सूत्र कोन त्रिभुज समकोणी त्रिभुजर क्षेत्रफल सूत्र समकोणी त्रिभुजर क्षेत्रफल समान सूत्र कोन हो एथि हम भूमि नबा काकु ac को भूमि नले bd हो उच्चता तबे हाफ इनटू भूमि केते अछि 40 सेंटीमीटर एवं उच्चता केते x तबे दुई रे काटले 20 40 तबे 20 x सेंटी वर्ग सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर तबे हमें प्रश्न अनुसार प्रश्न अनुसार कोन जानि छे तबे 20x इक्वल टू 384 पाई छे ना पाई ने क्षेत्रफल गोटे आगे क्षेत्रफल पाई छे तबे वर्तमान एडी काटी देले x इक्वल टू हमें जानि छे कोन इंप्लाइज एडी इक्वल टू एडा गुणन हे छे को छे अल्फा को बोले कोन हो हरण हो कोन हो हरण 384 बाय 20 इक्वल टू पाई केते 384 बाय 2 इनटू 10 तबे 2 के 2 2 नुआ 18 2 2 4 195 बाय 10 तबे केते हबो 90.2 सेंटीमीटर तबे अतए समकोण कर्ण प्रति अंकित लंबर दैर्घ्य 19.2 सेंटीमीटर लेखि पारिबो ना पारिबो नि पारिबो हला तापर कोन कहि छी तापर कोन कहि छी ताले आउ क्वेश्चन जाय छी गोटे समबाहु त्रिभुजर प्रत्येक बाहु दैर्घ्य 4 सेंटीमीटर कमाई देले कहि छी गोटे समबाहु त्रिभुजर प्रत्येक बाहु दैर्घ्य 4 सेंटीमीटर कमाई देले कहि छी गोटे समबाहु त्रिभुज प्रथम कथा जानिबा दरकार जे समबाहु त्रिभुज ए बी सी गोटे कोन समबाहु त्रिभुज जदि गोटे समबाहु त्रिभुजर प्रत्येक बाहु 4 सेंटीमीटर कमाई दिया जइबो कमाई दिया पर हमहु त जणा नै समबाहु त्रिभुज प्रत्येक बाहु रो दैर्घ्य केते प्रथम कथा हला समबाहु त्रिभुजर प्रत्येक बाहु रो दैर्घ्य जानिबार अछि तापरे कमेइबा मने कर समबाहु त्रिभुजर प्रत्येक बाहु रो दैर्घ्य x सेंटीमीटर जदि
सेंटीमीटर कमाई देले 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कमाई देले केते हो बाहुर दैर्घ्य समान बाहुर दैर्घ्य समान x - 4 सेंटीमीटर यदि बाहुर दैर्घ्य x - 4 सेंटीमीटर हुए तबे क्षेत्रफल क्षेत्रफल समान केते हो √3/4 into x minus 4 whole square वर्ग सेंटीमीटर हम कि नहीं यदि का जिनसो बुझी पालो ना नहीं तापर से कोई जी यदि 4 सेंटीमीटर कमाई देला तार क्षेत्रफल 24√3 कमी जाउ छी केते √3 कमी जाउ छी क्षेत्रफल 24√3 वर्ग सेंटीमीटर कमी जाउ छी तबे हमें प्रश्न अनुसार रे तबे कोन लिखबा प्रश्न अनुसार रे कोन करबा प्रश्न अनुसार रे यदि कि पर्यंत बुझी पाला समस्त तो वर्तमान लिखबा कोन प्रश्न अनुसार रे कोन करबा प्रश्न अनुसार रे कोन करबा √3/4 x - 4 होल स्क्वायर इक्वल टू लिख परबा केते √3/4 x स्क्वायर माइनस ऑफ 24 √3 हां कि नहीं जेहेतु यार क्षेत्रफल केते √3 कमी जाउ छी जब 4 सेंटीमीटर कमाई दिया जाए तबे क्षेत्रफल 24 √3 कमी जाउ छी त कमाई देला पर देखो वर्तमान में कोन करि परबा स्टेप बाय स्टेप पुजीबा तबे इंप्लाई दट देले √3/4 x माइनस ऑफ 4 होल स्क्वायर इक्वल टू √3 कॉमन नहीं असले तबे ये रहला केते 1/4 into x स्क्वायर माइनस एटा डायरेक्ट लिखि दियो तुम्हें x स्क्वायर बाय 4 माइनस ऑफ 24 देखि परबा ना परबा ने तबे एटी देखो √3 कटी गला केते केते कटी गला √3 कटी गला त तापर देखो बाय 4 x माइनस 4 रो होल स्क्वायर इक्वल टू हम पहिले केते x स्क्वायर माइनस 96 डिवाइड बाय 4 और 4 कटी गला तबे एटा होछि 0 माइनस 0 होल स्क्वायर सूत्र हम जानि छे कोन x रो होल स्क्वायर माइनस 2 इनटू x इनटू केते 4 प्लस 4 रो होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 96 तबे x रो होल स्क्वायर इक्वल टू केते आला x स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस 416 इक्वल टू हम कोन जाय छे x स्क्वायर माइनस ऑफ 96 प्लस x स्क्वायर टा एकक असले माइनस हे जीवो तो प्लस x स्क्वायर 40 जीवो तो वर्तमान उपर बड वाली भेली तापर देखो वर्तमान हमर रहला केते इंप्लाइड एज माइनस 8x प्लस ऑफ 16 इक्वल टू माइनस 96 माइनस को एकक करले कोन हो प्लस हे जीवो तबे एटी कोन करबा हमरा एटा आ पाछ लबा आ ओटा आ पाछ आनिबा तबे कोन हो प्लस 16 प्लस 96 इक्वल टू 8x तबे 96 आ 16 मिसले केता होची 100 6 6 12 रु 2 हाते ना लए 9 के 10 के 11 100 12 इक्वल टू 8x तबे 112 इक्वल तबे इंप्लाई दैट 8x इक्वल टू 112 मतलब x इक्वल टू 112 बाय 8 तबे केता पाइबा काटले इंप्लाई दैट x इक्वल टू 14 सेंटीमीटर तबे अतए केते सेंटीमीटर पाइले समबाहु त्रिभुज रो समबाहु त्रिभुज रो बाहु दैर्घ्य केते सेंटीमीटर पाइले 14 सेंटीमीटर अतए समबाहु त्रिभुज रो बाहु दैर्घ्य 14 सेंटीमीटर बुझी पालो पिला माने तुमे या को देखि कि परिमित रो प्रथम अनुसूची को करबा पाइ चेष्टा करिवो एवं बुझि न पाले पचारिवो थैंक यू